बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अ स्क्रीन प्ले ऑफ हनीफ कुरैशी माय सन द फिनेटिक टाइटल में अगर ये फिनेटिक वर्ड देखे फिनेटिक का मतलब है मुतासिब या इंतहा पसंद मीनस अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इन तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बेटा इंतहा पसंद हो चुका है इस वीडियो में हम देखेंगे हनीफ कुरैशी की शॉर्ट बायोग्राफी की फैक्ट्स ऑफ द स्क्रीन प्ले सेटिंग करेक्टर समरी और लास्ट में थीम सो टाइम कोस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टड हनीफ कुरेशी जिसकी डेट ऑफ बर्थ नाइनटीन फिफ्टी फोर बर्न साउथ लंडन में हुई थी और इसके जो फादर थे वो जो थे पाकिस्तानी थे और मदर इसकी इंग्लिश थी मीन्स इंग्लैंड से थी ही अटेंडेड अ फ्यू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इसने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है अटेंड किए अल्टीमेटली ग्रेजुएटिंग विद डिग्री इन फ़िलासफी और फिलोसफी में इसने डिग्री ली फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंडन ही बिगेन हिज राइटिंग करियर राइटिंग एराटिक फिक्शन इन द नाइनटीन सेवेंटीज एंड देन मूवड इन टू प्ले राइटिंग पहले इसने इराटिक फिक्शन लिखने स्टार्ट किए थे फिर उसके बाद इसने मूव किया प्ले राइटिंग तो ये एक प्ले स्क्रीन है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन 1985 एटी फाइव ही रोट हिज स्क्रीन प्ले तो उसमें क्या था माई ब्यूटीफुल लैंड रेट विच वॉज अडेप्ट टू अ फिल्म फिर इस पर फिल्म बनी द स्क्रीन प्ले विच वॉज प्रोग्रेसिव फॉर इट्स डिफेक्टेशन ऑफ एन इंटरेक्चुअल गे कपल एंड इट्स ऑनेस्ट डिफेक्शन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन दैट पाकिस्तानी पीपल फेस इन इंग्लैंड तो इन सब में उस प्ले में ये चीज़ें डिस्कस की गई थी वॉन द न्यू यॉर्क सिटी फिल्म क्रिटिक्स बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर एन एकेडमी अवार्ड तो इसे ये अवार्ड्स भी मिले थे और नॉमिनेट किया गया था इसको ही हैज़ रिटन सिवरल अदर स्क्रीन प्लेज इंलूडिंग वन ऑफ दी सेंट्रिक एडिशन बाई द माई सन द फिनेटिक जो कि आज हम डिस्कस करने वाले और ये बहुत ही फेमस इसका स्क्रीन प्ले है क्रेशी ओपन इन कॉरपोरेट्स हिज ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसिज एज वेल एज द एक्सपीरेंसिस ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स इन टू हिज राइटिंग अच्छा इसके राइटिंग में ये चीज़ है कि uh, मतलब ये जो अपनी लाइफ में जो इसने एक्सपीरियंस किया है उन चीज़ों को इंक्लूड करता है या जो इसके फैमिली ने सफ़र किया है उन चीज़ों को अपने राइटिंग में इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग फॉर हिज नाइनटीन नाइनटी नावल द बुद्धा ऑफ ऑफ्रब हिज़ फैमिली हावेर हैज़ पब्लिकली डिस्प्यूटेड द ट्रुथ ऑफ़ द ऑटोबायोग्राफिकल मटीरियल दैट हैज़ इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज राइटिंग एंड क्लेम दे हैव बीन मिस रिप्रजेंटेट इन हिज वर्क कुरशी हैज़ थ्री सनस एंड करंटली रिजाइड इन वेस्ट लंडन सो इसके तीन बेटे हैं और आज भी ये लंदन में ही रहते हैं और इसके जो स्क्रीन प्लेज होते हैं जैसे ये माई सन द फिनेटिक तो इसको पहले ये तो एक ओबियसली एक शॉर्ट स्टोरी होती है फिर इसके बाद इसको स्क्रीन प्ले बनाया जाता है इसको इसे परफॉर्म किया जाता है किसी स्टेज वगैरह पे या इसका कोई मूवी वगैरह बना दिया जाता है तो इसमें फिर इसकी फैमिली ने मतलब डिफरेंट जो इसने प्लेय देखे थे उसकी फैमिली ने ये भी क्लेम किया था कि इनको जो है इनकी फैमिली को जो है मिस रिप्रेजेंट किया जाता है इनके वर्क्स में अब की फैक्ट्स की बात करें माई सन दिनेटिकज़ अ शॉर्ट स्टोरी ये एक शॉर्ट स्टोरी है तो जब इसे परफॉर्म किया गया तो इट मीन ये वी कैम स्क्रीन प्ले बाई हनीब कुरेशी फर्स्ट पब्लिश इन द न्यू यॉकर इन नाइनटीन नाइन्टी फोर में यह पब्लिश हुआ था इट वॉज रीप्रिंट इन क्रेशीज़ नाइनटीन नाइन्टी सेवन कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ फिर उसको रिप्रिंट किया गया था नाइन्टीन नाइन्टी सेवन में लव इन अ ब्लू टाइम एंड आल्सो ये उस कलेक्शन का नाम हुआ एंड ऑल्सो एज सप्लीमेंट टू समिशन टू द ब्लैक एल्बम एंड इन नाइनटीन नाइन्टी एट एज अ स्टैंड अ लॉन्ग एडिशन द शॉर्ट स्टोरी वॉज ऑल्सो अडेप्ट फिल्म ऑफ द सेम टाइटल तो सेम टाइटल से इसकी मूवी भी बनाई गई मीन दन ऑफ अ फिनेटिक पे ये एक मूवी भी बनी है आप लोग देख सकते हो इसको इट्स नरेटेड इन थर्ड पर्सन और इसकी जो नरेशन की गई वो थर्ड पर्सन एंड द स्टोज़ टोल्ड इन द पास्ट टेंस और जो टेंस यूज़ हुआ है स्टोरी में वो पास्ट टेंस है सेटिंग की बात करें सेटिंग इज़ द ओवरऑल सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी स्पेसिफिक प्लेस आर मैंशनड एज वेल एज़ सो इसमें डिफरेंट जगह जो है मैंशन की गई है सच एज परवेज़ होम जो कि एक हमारे पास करेक्टर है और अलीज़ होम रूम अली जो कि एक दूसरा करेक्टर है तो इनके रूम्स और इनके घर वगैरह जो मेंशन है मैंशन किए गए हैं दैबीज ऑफिस परवेज टैक्सी एंड द रेस्टोरेंट वे आर परवेज टॉक्स टू हिज सन तो मुख्तलिफ़ों पर इसकी सेटिंग हुई है और यह इम्पोर्टेंट है कभी कभी अपन में सेटिंग के बारे में पूछा जाता है करेक्टर की बात करें सबसे पहला करेक्टर हमारे पास जो है वह है परवेज परवेज इज़ अलीज़ फादर परवेज जो है ये अली के फादर है ही इज़ अ पाकिस्तानी इमिग्रेंट इन इंग्लैंड हु मेक्स अ लिविंग ड्राइविंग अ टैक्सी एट नाइट तो ये इंग्लैंड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे ये जो है एक टैक्सी ड्राइवर है नाइट को टैक्सी वगैरह चलाते हैं ई हैज़ अ वाइफ इसकी वाइफ भी है अल तो ही डज़ नॉट सीम टू लाइक हर मच एंड वेन ही सीक्स इमोशनल सपोर्ट इट फ्राम वन ऑफ दी हिज़ रेगुलर कस्टमर अ प्रोस्टिट्यूट नेम बिठीना तो इसकी वाइफ है लेकिन इससे इसकी इतनी अटैचमेंट तो नहीं है और एक प्रोस्टिट्यूट वुमेन है जिसको हम बाजारी औरत कहते हैं तो बिठिया नाम है ये उसका सपोर्ट लेता है परवेज़ में इस इस बिटीना का सपोर्ट लेता है जब भी कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो बिटीना के पास आता है द स्टोरी वॉल्स अराउंड परवेज़ कंसर्नस अबाउट अलीज़ न्यू फाउंड डिवोशन टू फंडामेंटलिस्ट इस्लाम अली जो है ये ओबियसली इसका बेटा है तो ये आगे हम समरी में देखें कि वो किस तरह फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की तरफ़ आया मीनस किस तरह फंडामेंटलिस्ट बना अली तो ये इससे हमेशा जगड़ता रहता है कि अली जो है क्यों ज़्यादा इस्लाम की तरफ जा रहा है जिस

जो हिजरत कर चुके हैं वहाँ लंडन की तरफ उनसे अपने सेंटिमेंट्स जो है ये शो करते हैं मीन शेयर करते हैं दूसरा करेक्टर हमारे पास है वो है अली अली जो है परवेज़ का बेटा है एंड ही हैज़ ही वाज़ बोर्न एंड रेज्ड इन लंदन तो ओबियसली ये भी लंदन में जो है पैदा हुए हैं और परवेज ने तो मीनस माइग्रेशन uh, की थी लेकिन इसकी पैदाइश जो है इंग्लैंड में हुई है बट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर इमिग्रेंट्स फ्राम पाकिस्तान लेकिन दोनों जो है इमिग्रेंट है पाकिस्तान से Ali was successful in school and sports throughout his childhood and adolescence. So, he was successful in school and he had close friends as well as an English girlfriend. close friends English means England girlfriend, and was studying accounting at university. or university, he accounting subject. The drama of this story revolves around Ali's sudden shift from a life of assimilation to one devoted to fundamentalist Islam beliefs and practices. अच्छा इसमें ट्विस्ट ड्रामे में तब आती है जब ये ये सब चीज़ों को छोड़ के इस्लाम की तरफ राग़िब होता है इस्लाम की तरफ आता है तो ये चीज़ें जो है इससे जो है मीनस कहानी में ट्विस्ट आती है ये अब आग, आगे समरी में देखेंगे कि किस तरह ये इस्लाम की तरफ मूव करता है दिस शिफ्ट दिफ्ट अली स्टार्ट ड्रोइंग आउट क्लॉथ्स बुक्स क्रिकेट बैट्स वीडियो गेम्स एंड अदर पोजिशन दैट रिप्रजेंट वट ही नाउ सीज एज द इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड एक्सेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर अच्छा तो ये होता कुछ यूँ है कि इसके रूम में जो चीज़ें पड़ी है जैसे उसमें क्लॉथ्स हो गए बुक्स हो गए क्रिकेट बैट्स हो गए वीडियो गेम्स हो गए एंड अदर पोजीशंस। तो ये सारी चीज़ें देखी जाए अगर इसके हम शॉर्ट एनालिसिस करें तो ओबियसली ये सारी चीज़ें जो है अंग्रेज़ों की है तो जब ये इस्लाम की तरफ आता है तो ये सारी चीज़ें ये जो है थ्रू आउट करता है मीन पेंक देता है और क्यों इसकी वजह यह है कि ये चीज़ें जो है उनसे रिलेटेड है वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है या वेस्टर्न लोग ये गेम्स वगैरह खेलते हैं फिर तीसरा करेक्टर है हमारे पास बिटीना इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे स्टोरी में बिटीना इज़ अ रेगुलर कस्टमर ऑफ़ परवेज ये रेगुलर कस्टमर है परवेज़ की बिटीना जो है एक प्रोस्टिट्यूट वूमेन है शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट एंड परवेज ड्राइव्स हर होम अर्ली इवनिंग नाइट आफ्टर शी हैज़ डन वर्किंग सो परवेज जो रोज़ाना ड्रॉप करते हैं नाइट को जब ये अपने काम वगैरह ख़त्म करके परवेज टॉक्स अब मोर ओपनली विद बिठीना देन ही डज विद हिज वाइफ तो परवेज जैसे मैंने परवेज जब हम करेक्टर डिस्कस कर रहे थे तो ये बिठीना से ज़्यादा अटच और सारी चीज़ें बिठीना से ही डिस्कस करते हैं एंड देयर रिलेशनशिप टेक्स ऑन द करेक्टरस्टिक्स ऑफ एन इमोशनल अफेयर और इस तरह इनके जो आ, मतलब अफेयर भी एक वक्त आता है कि लोग ये सोचते हैं कि इनका अफेयर चल रहा है बिटीना बिकम्स परवेज़ कॉन्फिडेंट एंड मेन फोकस ऑफ एडवाइसल टू कन्फ्रंट अली एंड कन्वेंस हिम टू अबेंडन रेडिकल इस्लामिक बिलीव तो कुछ होता यूँ है फिर कि जब अली जब इस्लाम की तरफ रागब होता है तो परवेज क्या करता है बिटीना से भी बात करता है अली के बारे में कि जो मेरा बेटा है वह इस तरह दीन की तरफ ज़्यादा रागिब हो रहा है क्या वजह हो सकती है तो बिठीना फिर आगे से कुछ रिस्पॉसिस देती जो कि हम समरी में देखेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी बिठिया एंड अली मीर द परवेज कैब होता फिर कुछ यूँ है कि अली और बिठिया की भी मुलाकात हो जाती है कैब का मतलब है टैक्सी परवेज़ की टैक्सी में शी एंड हर लिविंग क्लॉथिंग फ्लैशी एक्सेसरीज एंड फ्रेग्रेंट परफ्यूम कम टू रिप्रजेंट द वेस्टर्न कल्चर ऑफ टेम्पटेशन मेटलिज्म एंड एन्जॉयमेंट दैट अली डिस अच्छा फिर जब इनकी मुलाकात होती है तो ओबियसली वो तो एक इंग्लिश मैन थी इंग्लिश वुमेन थी सॉरी इंग्लिश वुमेन थी तो उसके क्लॉथ्स उसके जो फ्लैशी एक्सेसरीज़ और परफ्यूम वग़ैरह ये सब देख के उसे अंदाज़ा वैसे उस, 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 तो पहले भी पता था कि ये अंग्रेज़ है लेकिन उसके माइंड में यही चल रहा था कि ये तो वेस्टर्न कल्चर पूरा मीन इसनेडाप्ट किया है और साथ में आ, ही आ, वेन बिटीना ट्राइज़ टू एडवोकेट फॉर परवेज बाई कन्फ्रेंटिंग अली अबाउट हिज फंडामेंटल इस्लामिक बिलीफ अली शेम तो फिर होता कुछ ही बिठिया अली से बात करता है अली से बात करती है कि अपने फादर के साथ जो अपना जो तुम्हारा बिहेवियर है उसे अच्छा रखो तो ये आगे से जो है उस पर लानत बेचता है कौन अली अली शेम्स हर फॉर बींग अ प्रॉस्टिट्यूट अली उसके पेशे उसका जो पेशा है उसके पेशे पर पे भी लानत बेचता है Uh, क्योंकि ये एक प्रोस्टिट्यूट वुमेन थी इनरेज्ड एंड हर्ट इन वट वॉज अट फाइट बिटवीन अ फादर एंड सन पिटीना गेट्स आउट ऑफ द कार एंड ही एंड दिस इज़ हर फाइनल अपेरेंस इन द स्टोरी तो फिर इस तरह जब इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये जो है वो जगह छोड़ देती है मीन्स वो टैक्सी से मूव करती है नीचे उतरती है परवेज वाइफ ये लास्ट करेक्टर है हमारे पास परवेज वाइफ अलीज़ मदर रिमेन्स अन थ्रू आउट द स्टोरी एंड ओनली शोज आउट इंट टू पासिंग रेफरेंसेज तो ये एक अन नेम्ड करेक्टर है ठीक है इसका कोई नाम मैंशन नहीं किया गया स्टोरी में शी इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑफ हर एपसेंस एंड अ पाकिस्तानी इमिग्रेंट लाइक परवेज रिप्रेजेंट हाउ ही हैज़ एंड हिज कल्चर आइडेंटिटी इन एक्सचेंज फॉर ऑलेशन इन टू इंग्लिश कल्चर एज ही कन्फाइड नॉट इन हिज वाइफ बट हिज़ रेगुलर कस्टमर द इंग्लिश तो ये फिर वही स्टोरी मीन्स uh, दरमियान में आ जाती है कि परवेज जो है अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा अटैच नहीं थे परवेज़ किसके साथ ज़्यादा ज़्याद टेस्ट थी बिटीना के साथ ये यहाँ पे मेंशन भी किया गया परवेज वाइफ अपीयर्स इन द स्टोरी ओनली व्हेन परवेज इज़ ऑर्डरिंग हर अराउंड तो ये एक ही दफ़ा या दो दफ़ा मींस स्टोरी में जो है अपेयर होती है जब परवेज उसे ऑर्डर दे रहा होता वन ऑफ दीज इंसिडेंट्स इन पर्टिकुलर इन रेज अली अली रिमेंबर्स एंड होल्ड्स अगेंस्ट परवेज द टाइम दैट ही ऑर्डर हिज़ वाइफ टू कुक फॉक इवन तो वॉक का मतलब है ये सुअर वग़ैरह का गोश्त तो इसको हम फॉक कहते हैं जब ये उसे ऑर्डर करता है तो ये कौन करता है परवेज़ करता है और परवेज़ जैसे मैंने बताया वो पूरा वेस्टर्न कल्चर में खो चुका है मतलब शराब भी पीता है और सब कुछ वो करता है जो वेस्टर्न लोग करते हैं लेकिन इसका बेटा जो है जो अली है वो आखिर में चेंज हो जाता है और वो चेंज कैसे होता है धनविवर सिंह समरी डोंट ईट वॉक बिकॉज परवेज सा इट एज अ पार्ट ऑफ वट वॉज रिक्वायर्ड ऑफ इफ़ देट इन टू इंग्लिश कल्चर अब समरी की बात करते हैं दोस्तों समरी कुछ यूँ है कि ये जो स्टोरी है ये परवेज के इर्द गिर्द घूमती है मीन स्टोरी रिवॉल्व अराउंड परवेज ये कहानी परवेज़ के इर्द गिर्द घूमती है परवेज वो बंदा है जो कहानी का मेन करेक्टर है और इसने माइग्रेशन की है इंग्लैंड की तरफ और इसके साथ इसका बेटा भी होता है जिसका नाम क्या है अली और इन दोनों ने माइग्रेशन की है टूवर्ड्स इंग्लैंड और परवेज़ बहुत परेशान रहता है अपने बेटे के लिए परेशान क्यों रहता है ये हमने करेक्टर में भी डिस्कस किए लेकिन यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे तो परवेज़ परेशान रहता है अपने बेटे के लिए क्योंकि अली जो है वो चेंज हो रहा है इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है और परवेज़ ये सोचता रहता है कि मुझे चाहिए अली के दोस्तों से पूछूँ तो परवेज़ क्या कहता है कि मुझे चाहिए कि अली के दोस्तों से पूछूँ कि अली क्यों चेंज हो रहा है अली का बिहेवियर ऐसा क्यों है लेकिन वो डरता रहता है परवेज़ जो है वो डरता रहता है कि लोग क्या कहेंगे वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो सेम अब यहाँ पे जो परवेज़ है वो भी यही सोच के नहीं जाता लोगों से नहीं पूछता उसके दोस्तों से कि लोग क्या कहेंगे फिर वो एक वक्त में फ़ैसला कर लेता है परवेज़ जो है एक वक्त में फैसला कर लेता है वो अली के दोस्तों से अली के बिहेवियर के बारे में पूछता है इसके व्यूज़ जो लिबरल व्यूज़ है और कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हो चुका है वो नमाज़ कुरान पढ़ता है और म्यूज़िक तो ये परवेज़ की कुछ एक्सप्लेन अली की कुछ एक्सपेन्े जैसे वो फंडामेंटलिस्ट हो गए उसने दाढ़ी रखी और चेंजेबल बिहेवियर है उसका तो गिटार म्यूज़िक ये सब कुछ इसने सुनना और बजाना छोड़ रहा छोड़ दिया है किसने अली ने तो इसके दोस्त सोचते हैं कि क्या पता ड्रग का एडिक्ट बन गया हो इसके दोस्त क्या सोचते हैं मतलब इसके फ़ादर को अली के फादर को बताते हैं कि क्या पता आपका बेटा यानी अली ड्रग का ड्रग का एडिक्ट बन गया और परवेज़ को भी यही बताते हैं कि मे बी और सन इज़ टेकिंग ड्रग्स और परवेज़ उससे कहते हैं कि तुम्हारे सीडीज डीवीडी सब कुछ गायब है क्या पता ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को सेल करके ड्रग्स ले रहा हो अब परवेज़ जो है मूव करता है अपनी टैक्सी में बैठता है और घर की तरफ़ जाता है लेकिन उसके साथ टैक्सी में बिठीना होती है ये जो बिटीना है ये होती है बिटीना भी बैठी है बिटीना जो कि प्रोस्टिट्यूट है और ये परवेज़ की फ्रेंड बन चुकी है और परवेज़ तो एक मैरिड मैन है बट स्टिल हैज़ अ कनेक्शन विद प्रोस्टिट्यूट वुमेन नेमली बिटीना। और ये बिटीना परवेज़ की दोस्त कैसे बनी बात कुछ यूँ है कि बिटीना को एक दफ़ा इसका क्लाइंट मारने लगा था जैसे ये प्रोस्टिट्यूट है तो इसके क्लाइंट्स थे तो क्लाइंट्स इसे मारने लगा था तो परवेज़ ने उसे उस वक्त बचा लिया था तब इन दोनों की दोस्ती हो गई थी अब परवेज़ जो है अपने बेटे का अपने बेटे का बिटीना को भी बताता है मतलब जो इसके बे, बेटे का बिहेवियर है अली का जो बिहेवियर है उसके बारे में बिटीना से बात करते हैं और मैंने एक और बात बताई थी कि परवेज़ जो है ज़्यादा क्लोज बिठीना के साथ है अपनी वाइफ़ के साथ इतना क्लोज़ नहीं जितना बिठिया के साथ जितनी चीज़ें वो बिटीना से शेयर करता है शायद वो अपनी वाइफ से करता दो तो ये सारी चीज़ें बिटीना को बताता है कि मेरा जो बेटा है अली वो चेंज हो रहा है बिटीना जो कि उसे कहती है कि तुम उसे ऑब्ज़र्व करो उसके साथ कोई मसला होगा तो परवेज़ आगे से कहता है नहीं उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया लेकिन वो बिल्कुल ठीक लेकिन उसका एटीट्यूड चेंज आया वो आगे से ये भी कहता है कि उसने दाढ़ी रख ली मीनस उसने दाढ़ी रख ली किसने अली ने दाढ़ी बढ़ा रहा है और परवेज़ ये भी ऑब्ज़र्व करता है कि अली जो है पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा है और परवेज़ तो उसे मज़हब के रिलेवेंट कोई टीचिंग दे ही नहीं मतलब परवेज़ों उसे कोई टीचिंग नहीं दी थी मज़हब से रिलेटेड लेकिन वो पानियों की नमाज़ें पढ़ने लगा दाढ़ी बढ़ाने लगा तो परवेज़ अब सोचता है कि वो अली को डिनर के लिए बुलाएगा और इससे गुफ्तगु करेगा अली पहले इनकार करता है लेकिन बाद में मान जाता है और इसके पास चला जाता है और इसी दौरान परवेज़ बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है मतलब शराब पीता है अब इन दोनों के आर्गमेंट शुरू होते हैं और अली कहता है क्या तुमने अपनी ज़िंदगी देखी है ये तो तुम जिंदगी जी रहे हो बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे और आप ये कल्चर यूरोपियन कल्चर यानी वेस्टर्न कल्चर में इतना डूब चुके हो कि आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या कहता है और इंसान के इंसान की एग्जिस्टेंस का क्या मकसद इंसान दुनिया में क्यों आए इंसान की वजूद क्यों है और फिर कुछ ही होता है आपने कुरान के रूल्स तोड़ दिए हैं फिर मतलब आ, अली ये भी कहता है कि आपने कुरान के रूल्स तोड़ दिए शराब पीने लगे हो अब अली ये भी कहता है कि वो एजुकेशन छोड़ देगा अली सेज़ वेस्टर्न एजुकेशन कल्टिवेट्स एंटी रिलीजियस एटीट्यूड्स ये वेस्टर्न कल्चर इंसान को जो है वेस्टर्न एजुकेशन इंसान को अपने मज़हब से दूर करता है और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो देखा जाए किस तरह दूर करता है अब बहुत सी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जैसे कुछ तीरीज़ है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है इवन तो उसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मेंशन की गई है जो वाकई इंसान को अपने मजहब से दूर करता है जैसे कुछ तीरीज़ हैं नयालिज़म हो गई एग्जिस्टेंशलिज़म हो गई और कुछ और तीरीज भी हैं जिसको पढ़ के बंदा जो है मतलब उसका माइंड थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जाता है तो परवेज़ आगे से कहता है कि तुम ये जो घर छोड़ के चले जाओ अब इन दोनों की बाप बेटे की अर्गमेंट्स चल रहे हैं तो आगे से परवेज़ कहता है कि अली को कहता है मतलब अपने बेटे को कहता है कि तुम घर छोड़ के चले जाओ लेकिन बिटीना जो है परवेज़ का माइंड चेंज कर देती है और परवेज़ अगले दिन अली से कहता है कि ये जो कि ये जो आइडियाज़ तुम्हारे माइंड में आई है और ये अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं अब जब बिठिया अब जब बैठा नहीं सुनता तो परवेज़ क्या करता है चेहरे पर दाढ़ी रखता है अपने बेटे को खुश करने के लिए अब परवेज़ ड्राइविंग कर रहा होता है और साथ में इसकी बिठिया भी बे होती है और देखते हैं कि अली रोड पर वॉक कर रहे हैं तो ये उसकी पूरी एक्सप्लेशन है ये अली जो है रोड पे वॉक कर रहे और आग और रुक के कहते हैं कि आओ तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ मतलब परवेज और बिटीना ये दोनों टैक्सी में हैं और किसी तरह मतलब जा रहे हैं आगे से तो इन्हें रास्ते में अली मिलता है अली वॉक कर रहा होता है रोड पे तो ये आगे से अली को कहते हैं कि आओ तुम भी बैठ जाओ अब अली जो है वो क्या करता है अली इनके साथ बैठ जाता है अली गाड़ी में बैठ जाता है अली भी कार में आ जाता है बटीना जो है अली के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है कि तुम्हारे पापा तुमसे बड़ा प्यार करते अली को गुस्सा आता है गाड़ी छोड़ना चाहता है बटीना कहती है बैठे रहो अब बटीना भी गाड़ी छोड़ देती है और परवेज़ जैसे पहले की तरह बहुत ज़्यादा शराब पीता है और शराब की धुन में गुस्से में होता है और अपने बेटे को मारना शुरू करता है तो इस तरह कुछ ही होता है कि फिर जब इनके आर्गमेंट्स होते हैं ना बटीना और अली के तो ये दोनों जो है फिर गड्डी वगैरह छोड़ के चले आते हैं तो इस तरह फिर ये अली को जो है इसके फादर यानी परवेज़ बहुत ज़्यादा मारता है और अली कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता अली बिल्कुल चुपचाप मतलब उसको देख रहा था उसके मार पीट को वो महसूस तो रहा था लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता और जब परवेज मारना बंद कर देता है तो अली अपने बाप यानी परवेज़ से पूछता है कि हु इज़ द फिनेटिक नाव अब कौन इंतहा पसंद हैं तो ये अब आप लोग बता दें कि कौन इंतहा पसंद, यानी इसका अब्बा परवेज़ या इसका बेटा अली कौन इंतहा पसंद है? तो ये सवाल है आप लोगों के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी दे सकते हो और यहाँ पे जो है स्टोरी की एंडिंग होती है तो यहाँ पे अगर थीम की बात करें तो थीम में जो है जो पहला थीम है दैट्स अबाउट द कन्फ्लिक बिटवीन जनरेशन जनरेशन की कन्फ्लिक्ट को देखा जाए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो किसकी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बाप बेटे का और कल्चर डिफरेंसेस एंड आइडेंटिटी कल्चर डिफरेंसेस से मुराद के जो परवेज़ था वो पहले लाहौर में रहता था अच्छा बंदा था लेकिन वहाँ जाके उनके कल्चर में इतना डूब चुका है कि सब कुछ उसने बुला दी शराब पीने लगा प्रॉस्टिट्यूट वूमेन के साथ उसके तालक़त बढ़ गए अपनी वाइफ को ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता था अपनी वाइफ पे ज़्यादा मतलब उसकी अटेंशन नहीं रहती थी सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होती थी बिटीना जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी तो इमिग्रेशन ये इनका जो मीनस इन दोनों ने मूव किया था किधर इंग्लैंड की तरफ असमोलेशन रेडिकलाइजेशन इमिग्रेशन ऑफ फ़ादर एंड सन द वेस्ट एंड इस्लाम वेस्ट में इस्लाम को किस तरह रिप्रजेंट किया जाता है जैसे दाढ़ी उन्होंने बढ़ा दी तो इसके बेटे मीन सॉरी इसके अबू मतलब जो परवेज़ है उसका क्या कंसेप्ट था कि इन्होंने वेस्ट में दाढ़ी बढ़ा दी तो इस तरह आप बेहतर समझ सकते हो कि दाढ़ी बढ़ाने से आजकल लोग क्या कंसर्ट लेते हैं बट दैट इज़ नॉट द सेम सो द रोल ऑफ वुमेन जो वुमेन का किरदार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अब इसमें आप देख सकते हो कि किसका क्या रोल है जैसे परवेज़ की वाइफ है और दूसरी साइड पे जो है वो प्रोस्टिट्यूट वुमेन बिटीना है और उनके कल्चर हमारे कल्चर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है वो भी आप देख सकते हो रिलीजन रिलीजन अगेन इस्लाम की बात आती है so सो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं अगली जो वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट सिम्बॉलिज़म सिम्बॉलिज़म भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हम देखेंगे सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और उस सवाल का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा कि हु इज़ द फिनेटिक नाव तो ये सवाल है और बाकी कोई भी सवाल हो आप मुझे इंस्टाग्राम uh, पे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम भी जो मेरी आईडी है वो है द सेम नाम यही नाम से है इंग्लिश विद एयर कॉमरेड के नाम से वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो कोई सवाल हो आप लोगों का और चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ़ से